को मालूम है कि प्रत्येक परिवार को प्रत्येक साल 5 लाख तक का इलाज और केवल दरभंगा जिले में 14 लाख से ऊपर लाभुक जो यह आयुष्मान कार्ड जिनको जो भारत सरकार ने इनरोल किया है केवल दरभंगा जिले में उसकी आबादी 14 लाख से ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े तबके को इसका लाभ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री जी का पत्र सीधे उन लाभुकों को भी मिला है, और जो उनका राशन कार्ड जो 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना का कार्ड बना था, उस कार्ड में से लगभग जो है उस कार्ड लगभग 86% लोगों का बना है, उसमें से लगभग 50% से ऊपर लोग इस पीएमजे आयुष्मान भारत के में इनरोल्ड है, और बिहार में लगभग 5.5 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है इस आयुष्मान भारत में इनरोल्ड हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तबका को प्रत्येक साल 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त होने वाला है। पहले बीपीएल का चला था 30,000 रुपया, तो भारी शिकायत मिली, तो जो बहुत फुल प्रूफ योजना है भारत सरकार ने बनाई है, और बिहार में इसको इंश्योरेंस कंपनी को अलग रखा गया है। पहले इंश्योरेंस कंपनी को लोग करते थे, पहले इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती थी, अब आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी कहीं नहीं, सीधे बिहार सरकार अपने खाते से इसका भुगतान करेगी, और उसमें भारत सरकार का ज्यादा अंश और बिहार सरकार का कम अंश, और बिहार सरकार ने एक एजेंसी को नियुक्त किया है, उस एजेंसी का नाम सबको पता है मेडसेट पीपीए लिमिटेड, उसी को प्री ऑथराइजेशन भी उसी को देना है, और क्लेम जब आप बढ़ा के देंगे तो क्लेम पर मोहर भी उसी को लगाना है, और अगर वह क्लेम को रिजेक्ट कर देता है तो फिर राज्य स्तरीय एक समिति है, वह समिति जो है फिर वो क्लेम पास करेगी तो भुगतान होगा, और इसमें लगभग 1392 पैकेज हैं, विभिन्न बीमारियों के विभिन्न पैकेज हैं, जैसे हड्डी टूटी हुई है क्योंकि हम लोग ऑर्थोपेड अस्पताल में ही है, तो 50% से ऊपर केवल हड्डी का ही पैकेज, कलेजा की संबंधित कार्डियक की बीमारी है या ब्रेन का ऑपरेशन है या पैर का, मतलब सभी बीमारियों का अलग अलग तरह का अलग अलग पैकेज है, और इन 1392 पैकेज में 93% पैकेज को प्री ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, लगभग 650-700 पैकेज ऐसे हैं 1392 पैकेज में जिसमें आप बिना प्री ऑथराइजेशन के सीधे आप इलाज कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रोविजन है कि अगर बहुत इमरजेंसी मरीज है, एवरेज लगभग 44 मिनट समय लगता है एक प्री ऑथराइजेशन को, पटना से जो आप यहां से मेल करते हैं उसको जो है मतलब वहां से पास होने में एवरेज किसी हो सकता है कोई गंभीर है तो 8 घंटा भी लग जाता होगा, कोई 5 मिनट में भी आ जाता होगा, क्योंकि जितने क्लेम होते हैं उससे एवरेज 44 मिनट एवरेज समय जो है क्लेम मतलब वहां से जो है प्री ऑथराइज का जो है ऑथराइजेशन देने में लगता है। और इसमें एक आयुष्मान मित्र अलग से रख लीजिए, जो केवल आयुष्मान भारत का जो मरीज आएंगे, हमको लगता है डीएम सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे थे कि 900 लगभग मरीजों को सेवाएं डीएमसीएस में मिली, इधर कुछ जब से ये आए हैं तब से कुछ तेजी हुई, नहीं तो डीएमसीएस में तो जितने मरीज आते हैं इनका जो इनरोल्ड का जो हम लोग देखते हैं महीना में लगभग 1.5 लाख पहुंच जाता है मरीज की संख्या, उसमें डीएमसीएस सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज में 90% से ऊपर की संख्या जो है पीएमजे के लिस्टेड मरीज होते हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था की कमी, थोड़ी जागरूकता की कमी, थोड़ी जानकारी की कमी, और बहुत कम संख्या बिहार में भी अभी बहुत कम संख्या है जिनको इस सुविधा का अभी तक लाभ मिला, पिछले दिन हम लोग रिकॉर्ड लिए थे तो लगभग 58,000 मरीज को मात्र जो है पूरे बिहार में इसका लाभ अभी तक लोग ले पाए, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता हो रही है, धीरे धीरे जानकारी हो रही है, लोग को जानकारी भी नहीं
हो पा रही है कि इधर मैंने लोकसभा चुनाव के पहले पूरा लाखों मतलब पत्र जो आया था प्रधानमंत्री जी का, उसमें रजिस्टर्ड नंबर, तो रजिस्टर्ड नंबर से तुरंत उसका गोल्डन नंबर जो है निकल जाता, पूरा बड़ी संख्या में मैंने वितरण कराया, और भी अभी कहीं कहीं पड़ा हुआ है। उससे भी एक तो प्रधानमंत्री जी का पत्र, या दूसरा उनके पास जो खाद्य सुरक्षा योजना का कार्ड है, उस कार्ड में जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है या उनका मोबाइल नंबर है, उससे भी चिन्हित हो जाएगा कि किनको जो है इसमें जो है आयुष्मान भारत का पीएमजे योजना का कार्ड है। इतनी बड़ी योजना, गरीबों के लिए योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है। आप समझ सकते हैं पूरे देश में लगभग 50-50 करोड़ लोगों को जो है इसमें इनरोल्ड किया गया। केवल दरभंगा में 14 लाख से ऊपर मरीज है, 14 लाख परिवार नहीं, 14 लाख मरीज बोल रहा, 14 लाख से ऊपर। किसी एक परिवार में 10 आदमी का भी नाम है, किसी में 3 आदमी का भी नाम है, किसी में 2 आदमी का भी नाम है। मैं एक पंचायत में पत्र प्रधानमंत्री जी का बांट रहा था, शहबाजपुर पंचायत है, मेरे ही क्षेत्र का है, उसकी आबादी लगभग 13,500 है, और 9,500 लोगों को उस पीएमजे योजना में इनरोल्ड है, इनलिस्टेड है। मतलब जो भी गरीब है और जो भी मतलब जिनको